तो गाइस हम भी भेजते हैं सारों भाई के लिए गिफ्ट, क्योंकि हर वीडियो में उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भेजता है और एक प्यारा सा लेटर। तो चलिए लिखते हैं। तो गाइस गिफ्ट भेजने से पहले सारों भाई को एक लेटर लिखते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं, तभी तो वे जान पाएंगे कि किसने भेजा है। तो चलिए लिखते हैं। हम सौरभ भाई के लिए गिफ्ट भेजने वाले, तो हम गिफ्ट पैक करा कर ला चुके हैं। ये देखो, ये रहा गिफ्ट वो जो कि हमने पैक करा लिया है, और इसके अंदर क्या है वो तो आप लोगों को जब ही पता चलेगा जब ये सौरभ भाई अपनी वीडियो में खोलेंगे और दिखाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ किधर इसे जानने के लिए, डाकघर में, क्योंकि डाकघर में जान दूंगा तो फिर देखते हैं कब तक ये पहुँचता है। बाकी जितने भी लोग अगर सौरभ भाई की वीडियो देख कर यहाँ पर आए ये वीडियो देखने, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए चलते हैं तिलर और इसे जानते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता, हमने सौरभ भाई के लिए गिफ्ट भेजा 25 सितंबर को, हमने गिफ्ट भेजा था। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 18 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक कोई भी वीडियो उनकी ऐसी नहीं आई जिसमें उन्होंने मेरा गिफ्ट दिखाया हो। क्योंकि मैंने इसीलिए भेजा था, आप लोगों को बता दूं कि जब भी उनके लिए कोई गिफ्ट भेजता है वो अपनी वीडियो में दिखाते हैं। और एक मैंने लेटर भेजा था, आप लोग साइड में लेटर देख सकते हैं मैंने क्या क्या उसमें लिखा था। तो गाइस यही कहना चाहूँगा सौरभ, मैंने जहाँ घर भी आज गया था वहाँ मैंने पता किया कि मैंने पार्सल भेजा था वो अभी तक क्यों नहीं पहुँचा। तो उन्होंने भी यही बताया कि आपका पार्सल मैंने यहाँ से तो भेज दिया है, पता नहीं वहाँ क्या दिक्कत आई कि पहुँचा या ना पहुँचा, ये तो यानी वो ही जाने। या तो सौरभ भाई को रिसीव हुआ उन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी, अपना नंबर भी दिया था जिससे सौरभ भाई हमने की भले कि मेरी परेशानी को समझे और हमसे बात कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा गाइस कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो आप लोग सौरभ भाई तक पहुँचा दो, क्योंकि मैं सौरभ भाई से एक बार मिलने भी जा चुका हूँ तो वो मुझे मिले नहीं। दूसरी बार मैंने ये ऑप्शन ट्राई किया कि हमने चलो सौरभ भाई भी कहते हैं कि मेरे यहाँ मत आया करो, तो हमने चलो गिफ्ट भेजते हैं और उसमें एक पर्चा भेजते हैं जिसमें हम सारी बातें लिखते हैं, तो शायद सौरभ भाई मेरी मदद करें। लेकिन वो भी मेरा मिशन जो है फेल ही होता मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक तो उनकी वीडियो में नहीं दिखा, लेकिन आगे दिखे कोई पता नहीं। हाँ तो भाइयों, हमने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया, अब कर रहे हैं। मेरे बेटे का मुंह नहीं खुल रहा है, हमने अपनी औकात से बाहर करने का काम किया है, अब नहीं हो रहा है, मजबूर है आप लोगों से। हो सकता है बेटे ने एक बार वीडियो भी बनाई, मदद भी मांगी। और मैं सोच रहा था एक बार मैं बेटे को लेके सौरभ भाई के पास गया था, वे नहीं मिल पाए। फिर दोबारा बेटे ने ही चिट्ठी डाली, वो पता नहीं पहुंची या नहीं पहुंची। और आप इस वीडियो को इतना लाइक कर दो, इतना बढ़ा दो जो सौरभ भाई के पास पहुंच जाए, जिससे हमें कुछ मदद मिल सके, हम अपने बेटे का इलाज करवा सकें। परेशान तो है ही है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा यार, आप लोग जानते हो कि मुझे क्या परेशानी है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सौरभ भाई तक ये वीडियो पहुँचाओ, शायद वो ये वीडियो देखकर मेरी मदद कर दें, यानी अगर उन्हें ये पार्सल रिसीव नहीं हुआ है। वरना आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करो, चैनल को कोई नए आए हैं जितने भी आए मेरे, यानी जो सौरभ भाई की तरफ से इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपने बहुत बहुत बड़े क्रिएटर बनाए। मैं भी एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो प्लीज़ जिनसे सपोर्ट करो। तो जय हिंद जय भारत।